बिहारी जी मंदिर में ही खाली पड़ी जमीन, कर लें ये काम तो चल जाएगी अनहोनी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ हादसे का शिकार हो गई। छोटे से आंगन में बेतहाशा भीड़ में अफरा तफरी मच गई। भगदड़ के बीच श्रद्धालु गिर पड़े, इन्हें लोग पैरों से कुचलते रहे। दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि कई बेहोश हो गए। बिहारी जी मंदिर परिसर में ही तमाम जमीन थी, मगर प्रबंधन और प्रशासन ने इसका उपयोग करने की जरूरत ही नहीं समझी और हादसा हो गया। हालात अभी टले नहीं है, आगामी दिनों में दीपावली का त्योहार आने वाला है, साल के अंत में भी ऐसी ही भीड़ उमड़ेगी। मंदिर के गेट नंबर 3 के पास ये जमीन है। श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन समिति के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता नंद किशोर उपमन्यु बताते हैं कि ये जमीन बांके बिहारी जी के एक भक्त की थी। कोलकाता के बोरीवाड़ा परिवार के ये वही भक्त हैं जिनके स्वजन ने ठाकुर जी के लिए स्वर्ण रजत से विशाल और भव्य हिंडोला बनवाया। इसमें हिंडोले में 20 किलो सोना और 2 कुंतल चांदी का प्रयोग किया गया है। हरियाली तीज पर ठाकुर जी इसी हिंडोले में विराजमान होकर अलौकिक दर्शन देते हैं। बोरीवाला परिवार ने काफी समय पहले ये जमीन राज्य सरकार के नाम कर दी। अधिवक्ता नंद किशोर बताते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान ही एक दिन बोरीवाला परिवार के सदस्य उनके पास आए और इस जमीन के प्रयोग के बारे में बात की। बताया कि वे तत्कालीन जिलाधिकारी से भी मिले थे, मगर उन्होंने यह कहकर असमर्थता जताई कि जमीन तो राज्य सरकार के नाम है, ऐसे में प्रशासन इस जमीन को बांके बिहारी की अनुमति कैसे दे सकती है। पूर्व अध्यक्ष के अनुसार उन्होंने इस दिशा में प्रयास किया, प्रशासन और न्यायिक पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें की। आखिर में सहमति बनी कि जमीन तो राज्य सरकार के नाम ही रहेगी, मगर इस जमीन को बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन इसे प्रयोग कर सकता है, इस पर निर्माण करा सकता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ निर्माण कराया भी गया। इसी बीच मंदिर प्रबंधन को लेकर किसी मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर समिति लंबित हो गई। मंदिर प्रबंध समिति के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर उपमन्यु बताते हैं कि ये जमीन इतनी है कि इसे दुरुस्त कराकर परिसर में शामिल किया जा सकता है। ये कार्य बहुत पहले ही हो सकता था। श्रद्धालुओं की निरंतर बढ़ती तादाद को देखते हुए आज मंदिर का आंगन बहुत सीमित है। अगर इस जमीन का उपयोग कर लिया जाता तो श्रद्धालुओं के लिए व्यापक जगह मिल जाती और अफरा तफरी नहीं मचती। देर अभी भी नहीं हुई है, मंदिर प्रबंधन और प्रशासन को चाहिए कि इस जमीन को जल्द से जल्द प्रयोज्य बना लिया जाए, क्योंकि अब दीपावली और फिर साल के अंत में इसी तरह की भीड़ उमड़ना निश्चित है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीडी न्यूज 24x7। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एबीडी न्यूज 24x7 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।